सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं ऋषि कुमार आपको दिल्ली से गुड मॉर्निंग कहता हूँ। पर क्या हमारे लिए ये रियली गुड मॉर्निंग है? दिल्ली के इस एटमॉस्फेयर में ये जो सफ़ेद धुंध जैसा आपको जो दिखाई दे रहा है, ये फॉग नहीं है, ये धुंध नहीं है, ये कुछ और है। ये क्या है ये मैं नहीं जानता। ये हवा है, ये धुआं है, ये पटाखों का धुआं है, ये केमिकल से भरा धुआं है, ये क्या है मैं नहीं जानता। बट शायद दिल्ली में रहने वाले और दिल्ली की जो जनता है और जो जानने वाले हैं, वो इसे कहते हैं स्मॉग। और हर सुबह जब मैं यहाँ से उठता हूँ, इस जगह को देखता हूँ जब मैं यहाँ उठता हूँ, तो ये हर सुबह ये इतनी ग्रीन और इतनी क्लीन दिखाई देती है, जिसकी वजह से मैं अपने आप को बहुत खुश और बहुत पॉजिटिव महसूस करता हूँ। लेकिन आज सुबह जब मैं उठा तो ये कल से और बदतर था। और पिछले एक हफ्ते में जितना ये धुंध, जितना ये स्मॉग, इसे जो भी कहो, ये जितना था उससे कहीं ज़्यादा बदतर हो चुका है। आज मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ जैसा आप देख रहे हैं। पेड़ पौधों के ऊपर नीचे तक, ज़मीन तक ये सफ़ेद धुएं जैसी चीज़ ये ज़मीन तक फैल चुकी है। और ये इतनी बदतर है कि आपको खुद अपनी आँखों में, अपनी सांस लेते हुए अपने सीने में एक अलग ही एहसास होगा, जो कि साफ़ हवा का एहसास नहीं है, एक अलग ही धुएँ जैसा एहसास होगा। सो मैं नहीं जानता कि दिल्ली या दिल्ली की जनता, मैं, हमारा देश इस समस्या से कैसे उभरेगा, क्योंकि कोई भी आगे बढ़कर अपनी ज़िम्मेदारी को निभाना नहीं चाहता। सो ये अब हम सबके ऊपर है कि हम रोज़ सुबह उठ के घूमने जाना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो ऐसे एटमॉस्फेयर में तो हम घूमना नहीं चाहेंगे। हमें साफ़ हवा चाहिए, साफ़ आसमान चाहिए। उसके लिए हमें डिसाइड करना होगा कि हम किसानों को कैसे मदद करें, कैसे जागरूक करें, कैसे उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक स्थिति को कैसे बेहतर बनाने के लिए हम सोचें। क्योंकि दिल्ली में रहते हुए जो लोग दिल्ली, गुड़गांव, एनसीआर में रहने वाले जो हम युवा हैं, हम बहुत ही एजुकेटेड हैं। सभी अच्छे अच्छे कॉलेजेस, अच्छे अच्छे स्कूल्स में पढ़े हैं, लेकिन हम सभी ज़्यादातर लोग गुलाम हैं, जो सुबह 9 बजे उठते हैं, 10 बजे ऑफिस जाते हैं, 5 बजे भागम भाग में ऑफिस से घर आने की तैयारी करते हैं। लेकिन इस बीच हमें एसी की आदत लग चुकी है, हमें अच्छे खाने की आदत लग चुकी है, हमें हम तमाम अच्छी सुविधाओं की आदत लग चुकी है, जिसके हम गुलाम बन चुके हैं। हम अपनी कैपेसिटी में, हमारी क्षमता में, हमारी क्षमता को हमने इतना लिमिटेड कर दिया है कि हम इससे बाहर जाके किसी की मदद नहीं करना चाहते। हम सैटरडे संडे इंजॉय करना चाहते हैं, हम सभी युवा, लेकिन किसानों को लेके क्या मदद की जा सकती वो हम नहीं करना चाहते। वीकेंड्स पे लोग पार्टी करना चाहते हैं, आउटिंग करना चाहते हैं, अच्छी जगह पे घूमने जाना चाहते हैं, लेकिन अपनी इस दिल्ली जिस राजधानी में, भारत की राजधानी में, इसको साफ बनाए रखने और इसके आसपास के राज्यों में जो किसान हैं, जो परिस्थितिवश हमारे खेतों में जो पराली जलती है उसको जलाते हैं, क्योंकि वो उनकी परिस्थिति है, तो अगर उसका कोई सब्स्टिट्यूट निकाला जा सकता है तो वो क्या निकाला जा सकता है। दूसरा,
हम युवा हम और क्या कर सकते हैं उन किसानों के लिए, ना सिर्फ हरियाणा और उत्तर प्रदेश और नियर बाय जो राज्य हैं, उसके अलावा हम इन राज्यों के किसानों को, पूरे भारत के किसानों को हम कैसे मदद कर सकते हैं उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके। अगर हमने ये नहीं सोचा तो ये दिल्ली की परिस्थिति बनी रहेगी और आप और हम इसी पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर में जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे, हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे और परिणाम स्वरूप या तो हम लोग, कोई भी व्यक्ति जो दिल्ली के बाहर का है वो या तो दिल्ली रहना छोड़ देगा और या तो भारत सरकार दिल्ली की राजधानी को यहाँ से शायद मूव कर दे। सो मैं नहीं जानता ये सब चीज़ें कैसे होगी, क्या परिस्थितियाँ आने वाले समय में उभरेगी, क्योंकि ये जो पोल्यूशन है ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या आपको अच्छा लग रहा है?